गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी कपड़ा सुखाने दे रही हूँ और सुबह सुबह हो चुके थे गाइस। और ये अगले दिन धोई थी कपड़ा, बहुत ज़्यादा कपड़ा था गाइस। छठ में जो निकला था सारा, बेडशीट वगैरह चेंज किए थे तो इसीलिए सारे कपड़े हैं गाइस। तो अगले दिन धोई थी गाइस, पर शाम हो चुकी थी तो सूखा नहीं था गाइस, कपड़ा नहीं सूखा था, इसीलिए मैं सुबह सुबह फिर से डाल दे रही हूँ। और अभी थोड़ा सा आंगन का निपाई करना था गाइस, तो इसलिए मैं अभी कपड़ा डाल दे रही हूँ सूखने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था और कुछ कुछ सूख चुका था गाइस, तो इसीलिए उला रख के उसके बाद जो भींगा टाइप के था वो सूखने के लिए डाल दी थी। और उसके बाद डाल के गाइस मैं लग गई हूँ झाड़ू पोछा में, तो झाड़ू हो चुकी थी, सिर्फ पोछा लगाना था। तो मेरा सारा रूम का पोछा लग चुका था गाइस, सिर्फ बरामदा का बाकी था गाइस, तो इसीलिए मैं बरामदा का भी पोछा लगा दे रही हूँ। और अभी ठंड का मौसम है गाइस, तो पानी वगैरह बहुत ठंड रहती है, तो थोड़ा सा लेट से पोछाई उछाई करते हैं, क्योंकि पानी जो हम लोग का है गाइस सायरा में रहता है, तो बाहर का पानी खुला जगह है गाइस, तो पानी बहुत ठंड रहती है, तो इसीलिए सुबह में पोछा नहीं करते, कुछ थोड़ा सा लेट से करते हैं गाइस, क्योंकि 7 बजे तक हल्का हल्का धूप आ जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा हल्का धूप आ जाती तभी झाड़ू पोछा करते हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है गाइस, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसीलिए थोड़ा सा लेट से करते हैं। तो देखिए गाइस मेरा पोछा वगैरह हो गया। उसके बाद सुबह में ही गोबर लाई थी लिपाई करने के लिए गाइस, क्योंकि निपाई कर देने से आंगन थोड़ा ठीक लगता है गाइस। और ये मेरा आंगन है गाइस, तो पूरा प्लेन नहीं है, तो हाथ से निपाई करने में नहीं बनता है, क्योंकि प्लेन नहीं है गाइस, तो अगर हाथ से निपाई करते हैं तो हाथ छिल जाता है, क्योंकि गिट्टी टाइप का आंगन है गाइस, तो हाथ से निपाई नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादातर आंगन का निपाई झाड़ू से ही करते हैं। और अभी थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह नहीं बना रहे हैं गाइस आंगन में, क्योंकि मिट्टी वगैरह अभी मिल नहीं रहा है, तो सिर्फ गोबर से ही निपाई हो जा रहा है सुबह सुबह, और सुबह ही लाई थी गोबर। और निपाई करते समय भी चूल्हा जल चुका था गाइस, तो इसीलिए मैं चूल्हे को अंदर करके उसके बाद चढ़ा दी हूँ चावल का पानी, क्योंकि खाना भी बनाना है और आज थोड़ा सा बूथ पे जाना था गाइस, हम लोग का इलेक्शन ड्यूटी मिला हुआ था, तो इसीलिए मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपट लेती हूँ और खाना वगैरह भी बना लेती हूँ गाइस, तो इसीलिए मैंने थोड़ा चूल्हा जल चुका था, तो इसीलिए मैं चूल्हे पे तुरंत ही चावल का पानी चढ़ा दी थी और फिर से निपाई करने बैठ गई हूँ गाइस, क्योंकि दोनों काम मेरा एक साथ हो रहा था, खाना भी बनाना था और निपाई भी करना था गाइस, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी, क्योंकि बूथ पे जाना था गाइस और हम लोग का इलेक्शन ड्यूटी मिला हुआ है अभी, तो वहीं पे दिन भर बैठ के काम करना था गाइस, घर फिर आना नहीं था। और थोड़ी दूर में मिली थी स्कूल में, हाई स्कूल में, इसीलिए मैं सोच रही थी कि सारा काम निपट के जाऊंगी, तो उधर से आने के बाद कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ झाड़ू वगैरह लगा के खाना वगैरह बनाना रहेगा शाम का, तो इसलिए मैं सारा काम थोड़ा सा सुबह में ही निपट रही थी। फिर भी काम करते करते मेरा लेट ही हो जाता है गाइस, कि उतना सुबह में नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है गाइस काम करते करते। और ठंड की मौसम है तो थोड़ा सा धूप निकलने का भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि पानी बहुत ठंड रहती है गाइस, और खुला जगह में पानी वगैरह रहता है तो और भी ठंडा रहती है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा धूप निकलने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ही पोछा वगैरह लगाते हैं गाइस, ठंड का मौसम है इसीलिए इतना लेट हो जाता है। तो देखिए गाइस मेरा निपाई हो चुका है, और निपाई करके नहाना भी था गाइस, नहा के उसके बाद ही थोड़ा सा नाश्ता वगैरह खा के ही जाऊंगी थोड़ा सा बूथ पे बैठने के लिए, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि सुबह में इधर का आंगन का निपाई कर लेती हूँ, उसके बाद बचेगा जो बाहर का आंगन वो बाद में निपाई कर लूँगी। तो देखिए गाइस मेरा निपाई हो चुका है, और
चावल का पानी भी गर्म हो चुका था गैस। तो ये है बगल की दीदी और मेरे यहाँ पानी चलता है गैस, तो पानी यहीं से भरती है, तो इसीलिए आई थी गैस सुबह सुबह पानी लेने के लिए। तो मेरा निपाई हो चुका था इसलिए मैं तो चाय बनाई थी, तो दीदी भी पी दीदी आई थी गैस, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि उनको भी दे देती हूँ। और सुबह मैं चाय नहीं बनाई थी क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है गैस, तो चाय पानी पीने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और मैं सोचती हूँ कि जितना देरी मैं चाय पीऊँगी बैठ के उतना देरी में कोई और काम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा काम निपट लेती हूँ तभी चाय पानी पीती हूँ गैस। तो देखिए मेरा निपाई वगैरह हो गया था और चावल का पानी भी हो गया था गैस, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चावल वगैरह डाल दी हूँ। यानी सारा काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ता है गैस, और इतना ज़्यादा काम रहता, घर का काम रहता, फिर बाहर का काम रहता, यानी टेंशन सी कभी कभी लगने लगती है कि इतना सुबह उठती हूँ फिर भी कुछ ना कुछ काम बाकी रह ही जाता है, आनी नहीं हो पाता है गैस। तो इसीलिए दीदी को भी चाय दे दी थी और मेरा भी चाय पी ली हूँ। और निपाई करते समय गैस मैं सारा कपड़ा उतार दी थी क्योंकि निपाई करते समय एक कपड़ा गिर जाता है गोबर में तो दागी लग जाता है गैस, तो इसलिए मैं सारा कपड़ा उतार के ही निपाई की थी। और आनी थोड़ा बहुत सूख भी चुका था गैस निपाई करते करते मेरा कपड़ा वगैरह, तो इसलिए मैं उतार के रख दी थी। और उसके बाद मैं नहा ली हूँ गैस, नहा के अब अगरबत्ती वगैरह जलाने जा रही हूँ और तैयार भी हो गई थी नहा के गैस, साथ में ही तैयार भी हो गई थी और मैं नहा के साथ में तैयार भी हो गई थी, इसलिए मैं अगरबत्ती वगैरह जला ले रही हूँ गैस, क्योंकि नहा के अगरबत्ती वगैरह जला लेती हूँ तो अच्छा लगता है। और जिस दिन अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ गैस तो उस दिन अच्छा भी नहीं लगता है और लगता है कि जैसे कुछ भूल रही हूँ, इसीलिए मैं नहा के अगरबत्ती वगैरह जला ले रही हूँ। तो देखिए गैस मेरा अगरबत्ती वगैरह जल चुका है, यानी सुबह का सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है गैस, और इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ अब बूथ पर जाने के लिए और थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके जाऊंगी गैस, क्योंकि दिन भर टाइम उधर ही रहता। तो देखिए गैस मैं जा रही हूँ बूथ पे और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा काम है गैस। तो आज का ब्लॉग यहीं तक के लिए, तब तक के बाद।